एवरीवन, मैं संगीता आज आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ। आपने कढ़ी बनाई होगी, लेकिन आज मैं जो कढ़ी बता रही हूँ वो पकोड़ों की कढ़ी, और वो भी बिना डीप फ्राई करे पकोड़ों की बहुत ही अच्छी टेस्टी कढ़ी टिक के साथ बताऊँगी। तो आज मेरी आप टिक देखना, पकोड़े बनाने में भी देखना टिक, और कढ़ी में कैसे छोंक लगाते हैं वो भी आप टिक के साथ देखना। तो सबसे पहले तो मैंने कढ़ाई ले ली अपनी, और मैं गैस स्टार्ट कर रही हूँ। और गैस स्टार्ट करने के बाद में मैं आपको किस तरीके से तैयारी करते हैं उसके लिए बता रही हूँ। ये मैंने 500 ग्राम छाछ ली है। आप खट्टा दही या छाछ कुछ भी ले सकते हो, लेकिन कढ़ी है वो छाछ की ज़्यादा बढ़िया बैठती है, इसलिए मैंने छाछ ली है। और इस छाछ में मैंने कढ़ी के लिए एक चम्मच बेसन का इसके अंदर डाला है। अब ये मेरी कढ़ाई थोड़ी गर्म हो गई है, इसमें मैं पहले छौंक के लिए एक टेबल स्पून तेल है वो इसमें डाल देती हूँ, ताकि हमारी कढ़ी का जो छौंक है वो अच्छे से रेडी हो जाए। अब इस कढ़ी के अंदर हम एक अपने टेस्ट के अनुसार नमक डाल देते हैं। इसमें एक टीस्पून है वो मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है, और एक टीस्पून मैंने नमक डाला है। अब हाफ टी स्पून है वो मैं हल्दी पाउडर डाल रही हूँ इसके अंदर। बस अभी तीन चीज़ें ही मिलाऊंगी, और हमारी जो दाल मथनी होती है इससे मैं इस बेसन को और मसालों को अच्छे से फेंट लूँगी। इस तरीके से इनको फेंट के तैयार कर लेते हैं। और इधर हमारा तेल है वो गर्म हो चुका है, तो इसमें सबसे पहले तो मैं आधा टीस्पून जीरा पाउडर डाल रही हूँ, 1/4 है वो अजवाइन डाल रही हूँ, और ये 1/4 है वो मेथी दाना डाल रही हूँ, और साथ में आधा टी है वो स्पून राई पाउडर, साथ में 3-4 पत्ती है वो करी पत्ता डाल रही हूँ, और ये 2 लौंग डाल रही हूँ। ये इतनी चीज़ें हैं हम इस छौंक के लिए तैयार करते हैं। और 1/4 स्पून है वो मैं साथ में इसमें हींग डालूंगी, क्योंकि कढ़ी में हींग का टेस्ट होता है वो काफ़ी अच्छा लगता है। अब ये जो मैंने पेस्ट बनाया है कढ़ी का, ये इसमें मैं डाल देती हूँ। अब आपको मैंने टिक के लिए कहा था, तो टिक मेरी यही है कि हम इसको छौंक के और इसको हिलाते नहीं हैं, बिल्कुल ऐसे ही रहने देते हैं। अगर ये इसको हम हिलाएंगे तो हमारी कढ़ी है वो फटने का डर रहता है। तो आप इसे छोंकते ही पहले आप इसके अंदर चम्मच ना चलाएं। अब मैं आप लोगों को कढ़ी का जो पकोड़े तैयार कर रहे हैं उसके लिए बताती हूँ कि कैसे हम पकोड़ों का बैटर है वो तैयार करते हैं। ये हमारा 1 बाउल के करीब ही बेसन है, इस बेसन को मैंने इसके अंदर डाला है। अब इस बेसन में हम 1/4 स्पून है वो अजवाइन डाली है जो क्रश करके मैंने डाल दी है इसके अंदर, और साथ में 1/2 चम्मच है वो नमक डाला है, 1/2 चम्मच है वो हल्दी डाली है, और 1/2 चम्मच है वो मैंने लाल मिर्च पाउडर डाला है। अब इन सबको हम एक साथ मिला के और इसको पानी डाल के और इसका अच्छे से बैटर तैयार कर लेते हैं। जिस तरीके से हम पकोड़े का बैटर बनाते हैं उसी तरीके से हम इसको बैटर के रूप में मिला लेते हैं, और इसको इतना फेंटते हैं कि ये बिल्कुल से हल्का हो जाए और अच्छे से इसके अंदर हवा है वो अच्छे से फिट हो जाए, ताकि हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे से फूल सके। अभी इसके अंदर और कुछ नहीं मिलाना है, थोड़ा सा हम इसमें मीठा सोडा डालेंगे क्योंकि पकोड़े हैं वो मीठे सोडे से अच्छे फूलते हैं, लेकिन इसके पहले हमें इसको अच्छे से मिला लेना है। ये देखिए, इसमें एक भी लम्प्स नहीं रहने चाहिए, और अच्छे से हमारा बैटर है वो अच्छा तैयार हो जाना चाहिए। ये देखिए, अब ये हमारी कढ़ी देखिए,
ये ऊपर फूल के आ गई है। तो अब हमें इसको क्या करना है, अब इसके अंदर चम्मच डाल के हमें इसके लिए इसको चलाना है। ये देखिए कढ़ी है हमारी, अब फूलने लगी है, तो अब इसको चम्मच से घुमाना है। और इसे हमें लगातार नहीं घुमाना है, क्योंकि हमने पहले इसको छोड़े रखा है, हमारी कढ़ी है बिल्कुल भी नहीं फटेगी, और इसको घुमाना भी नहीं है। खाली एक बार ये जब फूल के तैयार हो जाए तब हमें चलाना है। अब इसमें हम एक गिलास के करीब है वो पानी ऐड कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादा गाढ़ी कढ़ी है वो भी अच्छी नहीं लगती है, और पहले मैंने पानी इसमें डाला नहीं था, इसलिए अब इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। अब ये कढ़ी है हमारी बिल्कुल भी नहीं फटेगी, और ना ही इसे हमें लगातार चलाते रहना पड़ेगा। तो यही मेरी ये टिक है कि हम कढ़ी को छोंक में चलाते ही चलाना शुरू कर देते हैं चम्मच से, तब हमारी कढ़ी है वो फटने का हमेशा डर बना रहता है, और ऐसा करने से हमारी कढ़ी है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी और अच्छे से तैयार हो जाएगी। अब ये जो हमारा बैटर है इसके अंदर हम 1/4 चम्मच के करीब है वो मीठा सोडा डालेंगे, ताकि हमारे पकोड़े हैं वो अच्छे से फूल जाए, क्योंकि हम बिना डीप फ्राई बना रहे हैं ना, और ये बिना डीप फ्राई हम अप्पा जो संचा होता है उसके अंदर बनाएंगे, ताकि हमारे अच्छे बैठेंगे। इसके अंदर मैंने एक चम्मच है वो हरी मिर्च डाली है, एक प्याज डाला है, और थोड़ा सा मैंने धनिया डाला है, और आधा टमाटर डाला है। अब इसके अच्छे से टेस्टी से पकोड़े हैं वो हम तैयार कर लेते हैं अप्पे के अंदर, अप्पे वाले संचे में। ये मैंने अप्पे वाला संचा लिया है, अब इसको हम पहले थोड़ा प्री हीट कर लेते हैं, और प्री हीट करने के बाद में सब में हम एक एक बूंद है वो ऑयल का डाल देते हैं। इसको हमने डीप फ्राई नहीं करने हैं, ये पकोड़े जो बना रही हूँ ना मैं, ये इसको खाली हम इसके अंदर फ्राई करेंगे एक एक बूंद तेल के अंदर। ये हमारे बहुत ही अच्छे टेस्टी पकोड़े हैं वो तैयार होते हैं, और इसको हम अच्छे से मिला के और उसके बाद ही इनके अंदर हम डालना शुरू करते हैं। तो ये हमारा गर्म हो रहा है, और इतनी देर हमारी कढ़ी भी उबलती रहेगी, क्योंकि कढ़ी को हम जितना ज़्यादा उबाल के तैयार करेंगे, कढ़ी में 100 उफान है वो आने चाहिए, उबाल है वो अच्छे से आने चाहिए, तभी हमारी कढ़ी है वो टेस्टी बनती है। मेरी कढ़ी के सभी फैन हैं हमारे फैमिली के अंदर, इसलिए ये कढ़ी है बहुत ही अच्छी तैयार होती है। और मैंने इसमें जो ये 2 लौंग डाली है, इसका भी इस कढ़ी के अंदर बहुत ही बढ़िया टेस्ट आता है, क्योंकि ये उबलने से इसका अपना टेस्ट है वो इसके अंदर काफ़ी बढ़ जाता है। तो ये हमारे संचा है वो तैयार हो गया है, अब इसके अंदर हम इस तरीके से अपने पकोड़े हैं वो इसके अंदर हम डाल के और फ्राई कर लेते हैं। ये पकोड़े भी हमारे एक बराबर बनेंगे और बहुत ही सुंदर लगते हैं कढ़ी के अंदर। तो आप ऐसी कढ़ी है वो खाते खाते रह जाएंगे, और इसमें ऑयल की मात्रा भी नहीं रहेगी। सबसे बड़ी बात यही होती है कि बिना ऑयल के अच्छे से हमारे ये पकोड़े हैं वो फ्राई हो जाते हैं। गैस है वो हम कम कर देंगे, अब एक एक बूंद तेल है वो थोड़ा सा हम ऊपर से डाल देते हैं, और इसको ढक के और 2 मिनट तक हम बना लेते हैं। अब ये हमारी पकौड़ियाँ हैं वो एक साइड से फ्राई हो चुकी है, तो अब हम इनको इससे दोबारा इनको दूसरी साइड से फ्राई करने के लिए फोल्ड कर देते हैं, इसको उल्टा कर देते हैं, ताकि दोनों साइड से हमारी पकौड़ियाँ हैं वो अच्छी तरीके से सिक जाए। अब देखिए दोनों साइड से हमारे पकौड़े हैं कितने अच्छे फ्राई हो गए हैं, और बाकी का हमारा ये हम इस प्लेट में निकाल लेते हैं। देखो क्या ज़बरदस्त बनते हैं एक बराबर पकोड़े, और बाकी का जो हमारा बैटर और बचा है इससे भी हम पकोड़े तैयार कर लेते हैं हमारे। ये सारे हमारे पकोड़े हैं वो तैयार हो गए हैं एकदम फ्राई करके, और बिना ऑयल के एकदम कम ऑयल के अंदर हमने तैयार कर लिया है।
और इधर हमारी ये कढ़ी है, ये भी अच्छे से तैयार हो गई है काफ़ी। अब इसके अंदर हमें जितने पकोड़े चाहिए आप उतने उसके अंदर ऐड कर दो, और दो मिनट इसको हम और अच्छे से चला लेंगे ताकि इसके अंदर भी हमारी कढ़ी है वो अच्छे से चली जाए और अच्छा टेस्ट दे। और फिर हम इसको अलग से बाउल में निकाल के तैयार कर लेंगे। अगर आपको ज़्यादा पकोड़े पसंद है तो आप इसमें ज़्यादा डाल सकते हो, और कम पकोड़े पसंद है तो आप इसमें कम पकोड़े डाल सकते हो। बाकी पकोड़े आप खाली वैसे भी खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी पकोड़े तैयार हो जाते हैं ये। ऊपर से हम धनिया पत्ती की गार्निशिंग कर देते हैं। अब ये हमारी कढ़ी है, बिना डीप फ्राई करे हुए पकोड़ों की कढ़ी है, बहुत ही टेस्टी और बढ़िया कढ़ी तैयार होती है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना, ताकि मैं ऐसी रेसिपीज़ है वो आप लोगों के लिए और बना सकूं, और आप लोगों की हेल्थ का मैं बिल्कुल ध्यान रख के ही ये रेसिपीज़ बनाती हूँ, ताकि किसी को भी कोई नुकसान ना हो। तो मेरी रेसिपी को आप फॉलो करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट और सब्सक्राइब करना, ताकि मेरा हौसला है वो और ज़्यादा बढ़ सके। थैंक यू।